मोदी की गारंटी पूरे हिंदुस्तान में चलती है तो टंडन जी की गारंटी चंडीगढ़ से चलेगी। हम 60% वोट शेयर लेके इस चुनाव को जीतेंगे। तिवाड़ी जी का हाल देख लीजिए, पहले लड़े लुधियाना से, फिर लगे आनंदपुर साहब से, अब आगे यहाँ पे। ऐसा सीट बदलू बंदा देखा कभी? और इस स्ट्रेंथ देखिए, डिफेंस में हमने 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर दिया इस साल। अर्थ प्रकाश के दर्शकों को नमस्कार। आज हम चुनाव की कड़ी में पहुंचे हैं भाजपा के सेक्टर 33 स्थित हेडक्वार्टर, जहां हमारे साथ है भाजपा के चंडीगढ़ के प्रधान जतिंदर कुमार मल्होत्रा। उनसे कई सवाल जवाब हम करते हैं और उनसे पूछते हैं कि किस तरह से जो प्रचार आगे बढ़ रहा है। एक नारा जो है भाजपा ने दिया है वो है कि मैं हूं मोदी का परिवार, ताकि आबाद हो मेरा परिवार। लेकिन कांग्रेस तो कुछ और ही कह रही है। कांग्रेस कह रही है कि अगर मोदी जी आ गए इस बार तो बर्बाद कर देंगे। देखो सर, कांग्रेस एक झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस क्या कहती है? कांग्रेस कहती है हम 1 लाख रुपया महीना, 1 लाख रुपया साल का, जो भी वो कह रहे हैं देंगे। तो 1500 रुपये कमिटमेंट की थी हिमाचल में, तो क्या 1500 रुपये दिए? अब 2 साल हो गए बने सरकार। भगवत मान जी ने कहा था मैं 1000 रुपया दूंगा पंजाब में, क्या दिया 1 रुपया? इनके कहने से छोड़ो, ये झूठ का पुलिंदा है। इनके ऊपर डिस्कस करके टाइम वेस्ट करने वाली बात है। इनकी कोई भी अचीवमेंट बताइए, क्या किया इन्होंने कांग्रेस ने, बताइए मेरे को। कितनी रोड्स बना दी, कितने इन्होंने मेडिकल कॉलेज बना दिए, कितने एम्स बना दिए, कितने ऑडिटोरियम बना दिए, कितनी रेलवे की पेंशन कर दी, कितने रेलवे स्टेशन बनाए, कितने एयरपोर्ट बनाए, इन पे बात कीजिए ना। जो बात करने वाली है, हम वैसे ही एक हाइपोथेटिकल बात करेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं है ना। जितेंद्र जी, स्थानीय मुद्दे यहाँ पे फिलहाल गायब लग रहे हैं, चुनाव प्रचार जो यहाँ का चल रहा है लोकल चंडीगढ़ का, और केंद्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस है। क्या लगता है, कहीं भारी तो ना पड़ जाएंगे? सर देखो, जो चुनावी नेशन का चुनाव है, भारत का चुनाव है, भारत की दिशा और दशा बदलने वाला चुनाव है। पिछले 10 साल की अचीवमेंट देखिए, हमारी इकोनॉमी 10वें स्थान पे थी, 5वें आ गई, हम चंद्रमा पे पहुंच गए, हमने G20 सफल अभियान किया, हमने यहाँ पे जो बम फूटते थे पूरे हिंदुस्तान में, क्या कोई बम फूट रहे हैं अब पाकिस्तान कोई गोली मार रहा है? हमारी स्ट्रेंथ देखिए, डिफेंस में हमने 20,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर दिया इस साल। तो चुनाव तो इस विषय पे है ना, ये चुनाव तो है नहीं, भी गली साफ नहीं हुई, जब पत्ते नहीं उठे। एक नेशन का चुनाव है, आने वाली जनरेशन उनके फ्यूचर का चुनाव है जी, भारत को विकसित कैसे बनाना, उस पॉइंट पे चुनाव है जी, तो उसी पे बात करेंगे ना। लेकिन बावजूद इसके जो स्थानीय मुद्दे हैं सर, आप मेरे, मैं कह रहा हूँ स्थानीय मुद्दों का चुनाव ही नहीं है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव ही नहीं है जी। हम बात क्यों करें, जब आपका एक चुनाव नेशनल चुनाव है तो स्थानीय मुद्दों की बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन लोकल लोग तो चाहते हैं। अरे लोकल लोग जो चाहते हैं हम उनका जवाब दे रहे हैं ना, लोकल लोग चाहते हैं हम उनका जवाब दे रहे हैं। आप जो पत्रकारिता में आप जानते हैं, आप एजुकेटेड है, ये नेशन का चुनाव है, सारी दुनिया जान रही है। लेकिन लोगों का सरोकार अपने से रहता है जी, और उस सरोकार में ये है कि बहुत सारे मुद्दे ऐसे स्थानीय स्तर पर हैं, उसमें कहीं ना कहीं लगता है कि प्रशासन के अफसर जो हैं, आप भाजपा सत्तारूढ़ भाजपा पे भारी पड़ रहे हैं, और वो मुद्दे आज तक हल नहीं हुए। मैनिफेस्टो में आपने बहुत बार डाले हैं, अगर इन मुद्दों पे चुनाव नहीं है तो आप मैनिफेस्टो में उन मुद्दों को क्यों डालते हो? सर मैनिफेस्टो में जो हमने डाले थे मुद्दे, उसमें से बहुत चुनाव हमने कराए हैं। देखिए ये जो कॉलोनिया है, 4 नंबर कॉलोनी, 5 नंबर कॉलोनी, किसके राज में यहाँ से शिफ्ट हुई है? अंडरपास किसके राज में बना? जो डिस्पेंसरीज को अपग्रेड करके मिनी हॉस्पिटल किसके राज में बने? 50 से 100 सीटें MBBS की किसके राज में हुई? एज जो बड़ी 37 ईयर वो किसके राज में हुई? ये बताइए, हॉस्पिटल किसके राज में एक्सपेंशन हुई ये बताइए मेरे को? ये बीजेपी के राज में हुई। आज पूरे चंडीगढ़ में LED बल्ब जल रहे हैं, किसके राज में हुए? आज चंडीगढ़ केरोसिन फ्री है, किसके राज में हुए? तो मुद्दे आते जाते रहते हैं। हम देखिए, 102 करोड़ रुपए से पूरे विलेजेस जिनके अंदर सीवरेज पड़ रहा है, रोड्स पड़ रही हैं,
और देखिए आज कल मैं गया था एक गांव में, बिल्कुल स्मूथ कारपेट रोड बन रही है, किसके राज में हुए जी? तो ये तो भाई साहब मुद्दे अगर 10 हैं, 5 हैं, आप भी घर में देखेंगे कोई मुद्दा है तो सारे तो सॉल्व नहीं होते, कोई पेंडिंग हो जाते हैं। व्यापारियों का वन टाइम सेटलमेंट का मुद्दा है, उद्योगपतियों का जो है फ्री होल्ड वाला मुद्दा है। देखो ये दोनों जो है प्रपोजल बन के गई हुई है, ये व्यापारियों को भी मालूम है जी। भी वन टाइम सेटलमेंट का जो मुद्दा है वो एचएम में गया हुआ है, व्यापारियों को मालूम है। जो दूसरा केस है लीज होल्ड टू फ्री होल्ड, वो भी प्रपोजल बना के भेजा हुआ है। इन चीजों में टाइम लगता है ना। देखो एक है काम छोटा सा, एक है काम नेशनल लेवल पे, आप कोई काम करते हैं उसका इफेक्ट नेशनल लेवल पे होता है, दूसरी स्टेटों में भी करना है गवर्नमेंट ने, और धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं। कांग्रेस की गुटबाजी जो है बिल्कुल सतह पे दिखाई दे रही है और इस्तीफे पे इस्तीफे लगातार हो रहे हैं, लेकिन अगर ये कहें कि भाजपा इससे अछूती है ऐसा भी नहीं है, सामने तो नहीं दिखाई दे रहा लेकिन अंदर काते जो करंट चल रहा है, आपके प्रमुख नेता जो कि सांसद भी रहे हैं यहाँ से, वो कहीं ना कहीं नजारा दिख रहे हैं सतपाल जैन जी इस सारे चुनाव प्रचार से। हालांकि टंडन जी का दावा है कि मैं उनसे मिल के आया हूं और मैंने बड़े कॉर्डियली जो है उनसे चीजें बोली हैं कि आप हमारे प्रचार प्रसार में जुटिए और हमारी मदद कीजिए। ये देखो ये आपके सोचने का तरीका हो सकता है, मेरा नहीं। अब आपकी सोच का जवाब मैं तो दे नहीं सकता। मेरी सोच ये है, मैं जैन साहब को मिला, सूर साहब को मिला, किरण खेर मैडम को भी मिला, सारे साथ हैं, वो अपने लेवल पे जो काम करना करेंगे, जब मीटिंग्स होंगी वो भी आएंगे, ठीक है ना। ये तो विषय हमारा है, बाकी उनकी गुटबंदी से हमने कुछ नहीं लेना देना। हमारा टारगेट है चंडीगढ़ में इस बार सीट हमने 60% वोट शेयर के साथ जितानी है, और हमारे 20,000 कार्यकर्ता वॉलेंटियर्स पन्ना प्रमुख इस काम पे लगे हुए हैं रात दिन। आपको किसी सेक्टर में चल जाओ भारतीय जनता पार्टी का संगठन नजर आएगा। लेकिन एक चीज नजारा लगती है वो यह है कि इस बार आपका गठबंधन शिरोमणि अकाली दल के साथ नहीं और वो चुनाव प्रचार में उतरने की बात बोल रहा है, दूसरी तरफ कांग्रेस और आपका गठबंधन है। अगर हम नगर निगम के चुनाव को देखें तो उस चुनाव में जो है उन्होंने एक अप्रत्याशित प्रदर्शन करा और वोट बैंक कहीं आपसे ज्यादा तो नहीं पड़ जाएगा। ये देखिए मैं आपको बार बार एक पहले बात बोली है, अभी हम 60% वोट शेयर लेके इस चुनाव को जीतेंगे। आपको जवाब मिल गया सारी बातों का बस। अच्छा आप ये कॉलोनियों को अपना वोट बैंक मानते हो ज्यादा, या कि जो मध्यम वर्ग और एलीट वर्ग है यहाँ का उसको आप अपना वोटर मानते हो? हम तो 140 करोड़ लोगों को, भारत के जितने भी सिटीजन है सब हमारे वोट बैंक है। काम किया हमने उसको, 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए हैं, 12 करोड़ बाथरूम बनाए हैं, 10 करोड़ लोगों को एलपीजी कनेक्शन दिया है, 5,32,000 किलोमीटर पूरे हिंदुस्तान में ऑप्टिकल फाइबर बिछाई है। ये अचीवमेंट है सर। हमने ये देखा है ये कॉलोनी में रहता है, शहर में रहता है, ये गांव में रहता है, ये बस्ती में रहता है, ऐसा देखा हमने तो सबको किया हमने। तो वो सारे हमारे जो हैं वो मोदी जी के सारे जो हैं चाहने वाले, वो सारे कहते हैं मोदी का हम परिवार है। ये सिर्फ कांग्रेस वाले, कांग्रेस का हाल बताइए मेरे को, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने कांग्रेस की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करवा ली और 80 करोड़ रुपया कांग्रेस से लोन ले लिया। आपने दुनिया में देखा कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी का हेड उस पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉपर्टी अपने नाम पे करा ले? कहीं दुनिया में एग्जांपल दिखा रहा दूसरा? तो आप उनसे क्वेश्चन पूछिए जाकर। लेकिन यही बात कांग्रेस कह रही है कि यहाँ पे गिनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ में कोई काम नहीं करा, किरण खेर नदारद रही लोगों के लिए उपलब्ध नहीं। मैंने 10 काम आपको गिनाए हैं ना जी जी, MBBS की सीटें, एज फैक्टर 27 से 37 कर दिया, ठीक है, अपग्रेडेशन ऑफ द डिस्पेंसरीज, LED, केरोसिन फ्री, 300 किलोमीटर साइकिल ट्रैक दुनिया में है कहीं? तो जब आप उनसे पूछते हो तो ये हम गिना रहे हैं, उनको बताइए, नहीं तो हमारे पास बताइए, हम कागज दे देते हैं पढ़ लेंगे वो। अरे कांग्रेस का काम है एलिगेशन लगाना बस। केजरीवाल जी कह रहे थे, चिट्ठी लिख रहे हैं जाके जेल से भी मैं बाहर आके सीवरेज और पानी की व्यवस्था ठीक कर दूंगा, लिखी ना चिट्ठी उन्होंने, मतलब कि बाहर उनको सीवरेज की बदबू नहीं आई, अब जेल के अंदर उनको सीवरेज की बदबू आने लगी, 10 साल में नहीं आई बदबू उनको जी जी जी। तो बाहर आके कराएंगे फिर, तो 10 साल में उनको स्मेल आई नहीं सीवरेज की, अब इनको पता लगा यार स्मेल बहुत है अंदर। तो ये ऐसे लोग हैं सर, छोड़िए इनको।
मल्होत्रा जी, मसीह वाला प्रकरण यहाँ पे हुआ और कांग्रेस और मनीष तिवारी जो यहाँ के कैंडिडेट है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ये लोकतंत्र का जो है गला घोटा गया, लेकिन भाजपा इसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही, सारी जिम्मेदारी मसीह के ऊपर डाल दी गई। हमने किसी पे जिम्मेवारी दे रहे, ये केस सुप्रीम कोर्ट में है ना, तो जब सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा आपको पता लग जाएगा। जी जी, फिर तो ये क्या सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं? देखो तिवारी जी का हाल देख लीजिए, पहले लड़े लुधियाना से, फिर लगे अनंतपुर साहब से, अब आगे यहाँ पे, ऐसा सीट बदलू बंदा देखा कभी? दिखाओ पूरे हिंदुस्तान में एग्जांपल। कमाल कर रहे हैं, एलिगेशन लगाने बहुत जरूरी है, जवाब देना बहुत कठिन है। इनको हमने 40 साल में और पवन मंसी जी के टेन्योर में कितने घोटाले हुए, क्या उनकी हम एक एक पिक्चर दिखाएं? घोटालों का बाजार है कांग्रेस। जो कोल माइन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट की थी वो 1,92,000 करोड़ रुपए की भारतीय जनता पार्टी ने ऑक्शन की थी उसकी, ठीक है ना बात? फिर चुनाव प्रचार के लिए कौन कौन से स्टार कैंपेनर जो है यहाँ पे आ रहे हैं और कब से शुरू हो जाएगा सिलसिला? ये मुझे लगता है एक हफ्ते के बाद इसका हमारे पास क्लैरिटी आ जाएगी, कौन कौन आ रहे हैं उसका, फिर आपको हम डिटेल दे देंगे। अभी हमारी लिस्ट गई हुई है, एक हफ्ते तक क्लियर हो जाएगा। शिरोमणि अकाली दल जो आपका नेचुरल एलाई रहता था, अक्सर पंजाब के अंदर ये रहा है और चंडीगढ़ में भी रहा है और मेयर के चुनाव में भी रहा है, लेकिन इस बार वो अपना प्रत्याशी खड़ा कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कहीं वोट कटेगा इससे? देखिए सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी 60% वोट शेयर लेके जीतेगी, बस हम किसी पे कमेंट करना नहीं चाहते। तो मनीष तिवारी को कैसा प्रत्याशी मानते हैं आप? पवन बंसल को ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट मानते थे या मनीष तिवारी को ज्यादा? हम सिर्फ अपने बारे में जानते हैं सर, लोग क्या कर रहे हैं हमें उसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम अपने आप को जानते हैं, हम क्या हैं और हमने देश के लिए क्या किया और क्या करेंगे, बस यही हमारा सब्जेक्ट है। जी जी, सोशल मीडिया पे आप कैंपेन कैसे बढ़ा रहे हैं, आप किस किस तरीके से जो है नया तरीका अपनाया है इसका? सोशल मीडिया की टीम सोशल मीडिया का काम कर रही है और बढ़िया सोशल मीडिया चल रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ऊपर वार रूम बना है, आप देख लीजिए, सोशल मीडिया का अच्छा काम हो रहा है। तो कितनी सभाएं दिन में की जा रही हैं? सभाएं इस वक्त चल रही हैं, 8 से 10 सभाएं चल रही हैं आजकल, और बाकी नीचे बूथ लेवल पे, मंडल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, हर हर डिस्ट्रिक्ट में 10-10, 15-15 सभाएं चल रही है। बाकी डोर टू डोर भी चल रहा है, विलेजेस में भी कल मैं 2 सभाएं करके आया। लेकिन अभी जो पहले एक सवाल पूछा था कि अभी भी कई कुछ बड़े नेता नदारद है प्रचार से, प्रचार की कमान जो है टंडन जी ने संभाल रखी है, टंडन जी हालांकि संगठन में बहुत मजबूत रहे हैं, उन्होंने उनकी मजबूत पकड़ रही है, तो अभी भी लेकिन वो जो साथ आने चाहिए आपके जमीनी स्तर पे नेता दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहे हैं? देखो सर जी, आपकी परसेप्शन आपकी सोच है, हमें नहीं लगता है, हमें जिसकी जरूरत है वो आ रहा है। मैंने कल खुद 3 सभाएं की, मैं 26 में गया, उसके बाद मौली जागरा में थी, उसके बाद ये विलेज था उसके अंदर थी, और सारे कर रहे हैं सर, ये आपकी परसेप्शन है जी। तो हम इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, हमारा टारगेट है 60% वोट शेयर। जी जी, और मोदी जी को हमने 400 प्लस से जताना है। चंडीगढ़ में संजय टंडन जी को हमने 60% वोट शेयर से जिताना है, जैसे मोदी की गारंटी पूरे हिंदुस्तान में चलती है तो टंडन जी की गारंटी चंडीगढ़ से चलेगी। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के चंडीगढ़ के अध्यक्ष जितेंद्र पाल मल्होत्रा, उनका कहना है कि जो गारंटी मोदी जी की सेंटर में चलती है, पूरे देश के लिए चलती है, वो गारंटी संजय टंडन जी की चंडीगढ़ में चलती है, तो कहीं कोई जवाब सवाल नहीं है इस मामले में। और टंडन जी जो है 60% वोट लेकर ये सीट मोदी जी की झोली में डालने जा रहे हैं। साजन शर्मा कैमरामैन अशोक टंडन के साथ।